Today in this video, we will discuss about the fairs and festivals of Jammu and Kashmir. Still, we have studied in this lecture series that is culture of Jammu and Kashmir. इसमें से हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने languages के बारे में पूरी तरीके से complete कर दिया है और इसके अलावा art of Jammu and Kashmir complete कर दिया है. तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जो art of Jammu and Kashmir है ये हमने complete कर दिया है. Now आज के इस video में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा fairs and festivals के बारे में. लेकिन आपको जरूरी बात यहां पर बता दूंगा कि चार चीजें आपको इन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेस्टिवल या फेयर का नेम पता होना चाहिए. सेकंड थिंग जो इसमें आपको याद रहना चाहिए वो लोकेशन याद होनी चाहिए कि किस लोकेशन पे ये मनाया जाता है. थर्ड थिंग जो आपको याद होना चाहिए वो कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से मनाया जाता है, इंपॉर्टेंस इस फेस्टिवल की क्या है. फोर्थ थिंग जो इसमें आपको याद होना चाहिए वो डेट के बारे में, जो लीस्ट इंपॉर्टेंस रहती है वो डेट की रहती है. लेकिन आपको ये चार चीजें लगभग हर किसी फेस्टिवल के बारे में पता होनी चाहिए. स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक, तो यहां पर पहला फेस्टिवल जो है वो है हेमस फेस्टिवल. हेमस फेस्टिवल की अगर बात करेंगे तो ये लद्दाख रीजन में मनाया जाता है और ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मासा बाबा के बारे के मौके पे मनाया जाता है और ये दो दिन तक चलता है ये फेस्टिवल. इसके अलावा 10th डे ऑफ द तिब्बतियन लूनार कैलेंडर पे ये मनाया जाता है. 10th डे ऑफ तिब्बतियन लूनार मंथ जो होता है, ये इनका एक लोकल कैलेंडर होता है, इस तरीके से उसके 10th डे पे ये मनाया जाता है. अब अगर दूसरे फेस्टिवल की बात करेंगे तो जेरी मेला आता है. जेरी मेला के बारे में मैं लेटेस्टली नीचे जाके आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. यहाँ पर अगर बात करेंगे इसके बारे में तो ये जम्मू में मनाया जाता है और इसको अक्टूबर नवंबर के मंथ में मनाया जाता है. अब इस जरी मेला की जो इम्पोर्टेंस रहती है वो कॉरेज कंपैशन और ऑनेस्टी को सिंबलाइज करना होता है. इसी तरीके से तीसरे फेस्टिवल पे चलते हैं, वो है तिहार फेस्टिवल. बेटा आप लोगों को याद होना चाहिए पहले दो फेस्टिवल्स कौन से बताए मैंने, हेमस फेस्टिवल लद्दाख, हेमस लद्दाख और इसकी जो इम्पोर्टेंस है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मासा बाबा के बारे में मनाई जाती है और दो दिन तक मनाया जाता है. जेरी मेला कौन सा फेस्टिवल है, जम्मू में, जेरी जेफार जम्मू में मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है और ये सिंबलाइज क्या करता है, कुरैश ऑनेस्टी और कॉम्पैशन को सिंबलाइज करता है. इसी तरीके से नाउ मूविंग टू द थर्ड फेस्टिवल, दैट इज तिहार फेस्टिवल. तिहार जेल पर याद रखना और यहां पर आप याद रख सकते हो कि यह फेस्टिवल भद्रवा और कश्तवाड़ रीजन में मनाया जाता है और ये किस मंथ में मनाया जाता है, चित्रा. ये एक लोकल मंथ है, ये लोकल कैलेंडर के मंथ का नाम होता है, चित्रा उसका नाम है, तो उस मंथ में ये मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में नागस की पूजा की जाती है, वर्शिप किया जाता है. नागस हो क्या होते हैं, नागस तो आपको पता है नागराजा, जो कि मतलब मेल स्नेक्स को कहा जाता है. अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा जो है बेटा ये एवरी ईयर मनाया जाता है हिंदूज़ के द्वारा और ये एक यात्रा रहती है. कहाँ पर, टूवर्ड्स द के अमरनाथ केव, जहाँ पर शिवलिंग की पूजा होती है. तो एवरी ईयर हिंदूज़ गो टू द अमरनाथ केव और जहाँ पर लॉर्ड शिवा की वर्शिप होती है. और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये पहलगाम एरिया से ऊपर जाना पड़ता है वहाँ पर ये लोकेटेड है. अब अगर इसी तरीके से बात करेंगे तो खीर भवानी को अगर देखा जाए ये एक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और इसके ऊपर क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछ चुका है तो आगे भी पूछने के चांसेस रहते हैं. तो ये फेस्टिवल जो है ये हिंदूज़ का फेस्टिवल है पहली बात. दूसरी बात, ये जो खीर भवानी टेम्पल में मनाया जाता है, अब ये खीर भवानी टेम्पल कहाँ है, ये तुलमुल में है. तुलमुल कहाँ पर है, तुलमुल गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है. याद रखना तीन चीज़ें, खीर भवानी जो फेस्टिवल रहता है ये खीर भवानी तुलमुल में मनाया जाता है जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है. इसमें खीर भवानी जो गॉडेस है उसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है, उसकी बर्थडे पे ये मनाया जाता है. इसी तरीके से अगर बैसाखी की बात करेंगे तो बैसाखी इज सेलिब्रेटेड एज द हिंदूज मतलब ये इन द अगर इसकी बात करेंगे तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, जो हिंदू कैलेंडर का पहला मंथ होता है उसमें ये मनाया जाता है और इसको फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है और 13th अप्रैल एवरी ईयर ये मनाया जाता है. आप सभी लोगों को मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी. आपको पूछा जाएगा विच फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो कौन सा फेस्टिवल है, बैसाखी है. आपको पूछा जाएगा विच फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सेलिब्रेटेड इन
द फर्स्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर, तो वो भी क्या है, बैसाखी है। आपको पूछा जाएगा कि 13 अप्रैल को आमतौर पर हिंदू कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैसाखी होती है। इसके बाद अगर लोरी की बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये सिम्बलाइज करता है कि अब इसके बाद स्प्रिंग सीजन आने वाला है, तो दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन। तो सर्दियों के बाद हर किसी एरिया में, अगर आप इंडिया में देखोगे तो शाम को आग की पूजा की जाती है, आग के इर्द गिर्द घूमा जाता है, डांडिया खेला जाता है, और इसके अलावा आग जलाया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि अब हमने सर्दियों को जला दिया है, गर्मियाँ आने वाली है। तो ये सिम्बलाइज करता है जम्मू, मतलब इसको स्प्रिंग सीजन को, और ये जम्मू रीजन में मनाया जाता है मोस्टली। कश्मीर में भी हिंदू फैमिलीज इसको सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13th of January। आपको याद होना चाहिए कि 13th of January को लोरी मनाई जाती है। नाउ मूविंग टू द अनदर फेस्टिवल, दैट इज़ टूलिप फेस्टिवल। टूलिप फेस्टिवल, देखो ये सारी चीज़ें अभी तक एग्ज़ाम में फीचर नहीं हुई है, लेकिन अब देखो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर टूरिज़्म कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन सा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहला फेस्टिवल उसमें आता है टूलिप फेस्टिवल। टूलिप फेस्टिवल ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन मनाया जाता है, और ये कहाँ पर मनाया जाता है, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन इन श्रीनगर। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो ये टूलिप गार्डन है, ये किस माउंटेन रेंज के मतलब दामन में है, ये किस माउंटेन रेंज के नीचे लाई करता है, और उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, जबरवन माउंटेन्स के नीचे टूलिप गार्डन लाई करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो टूलिप फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन श्रीनगर में, ये स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है, टूरिस्ट्स को वेलकम करने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर। इसके अलावा आता है यहाँ पर सिंधु दर्शन फेस्टिवल, इसके अलावा आता है सिंधु दर्शन फेस्टिवल। अब इस फेस्टिवल की अगर बात करेंगे तो ये 3 दिन का फेस्टिवल रहता है, विच इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 12th to 14th June। 12th to 14th June, 12th से लेकर 14 जून तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, इंडस रिवर के बैंक्स पे मनाया जाता है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल ये इंडस रिवर के बैंक्स पे मनाया जाता है। दिस मतलब ये फेस्टिवल जो इसका मतलब इम्पोर्टेंस है, ये इंडियन आर्मी के कंपैशन को दिखाता है, इंडियन आर्मी को सिंबलाइज करते हुए, मतलब उनकी मतलब बहादुरी को सिंबलाइज करते हुए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, और सिंधु नदी जो मतलब इंडस रिवर है उसमें पानी डाला जाता है और उसको पवित्र किया जाता है। इस तरीके से इसमें कुछ प्रक्रिया रहती है, लेकिन सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है ये आर्मी के रिलेटेड है, तो ये जो चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा है। 3 दिन का फेस्टिवल रहता है, 14th to 14th June तक ये मनाया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा इसका। इसके बाद हमारे पास आता है गुरेज फेस्टिवल। गुरेज फेस्टिवल जो होता है ये मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है, या जुलाई में मनाया जाता है कभी कभी, या अगस्त में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो हमारे हैंडक्राफ्ट्स होते हैं, क्यूजींस होते हैं, और कल्चर जो होता है ना गुरेज एरिया का, वो एक्सप्लोर किया जाता है। इसके अलावा गुरेज जो है वो राफ्टिंग के लिए माना जाता है। गुरेज जो है वो राफ्टिंग, जो रिवर राफ्टिंग होती है उसके लिए गुरेज बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग होगी, साइकिलिंग होगी, या राफ्टिंग एक्टिविटीज़ की जाती है इस फेस्टिवल में। ये टूरिज्म रिलेटेड फेस्टिवल होता है। अब अगर यहाँ पर बाहु मेला की बात करेंगे तो ये बाहु फोर्ट में मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाहु मेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन ए ईयर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच मेला इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन ए ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो कौन सा है, बाहु मेला। और ये मार्च में भी मनाया जाता है, और मार्च टू अप्रैल में मनाया जाता है, और सेप्टेम्बर टू अक्टूबर में मनाया जाता है। इसमें ये कहाँ पर मनाया जाता है, बाहु फोर्ट जम्मू में मनाया जाता है। उसके बाद पूर्मंडल मेला आता है। पूर्मंडल मेला इज़ अ 3-day fair, ये 3 दिन का मेला होता है, ऑर्गेनाइज्ड एज अ वेन्यू लोकेटेड 39 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू। और इसमें ये शिवरात्रि के मौके पे पूर्मंडल मेला मनाया जाता है, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन लॉर्ड शिवा टू गॉडेस पार्वती। तो मतलब देखो, लॉर्ड शिवा और पार्वती के बीच में जो रिश्ता था, उन दोनों को सिम्बलाइज करते हुए इस फेस्टिवल को, पूर्मंडल मेला को मनाया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें की जाती है, तो ये सारा मतलब जो पूर्मंडल मेला होता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जम्मू से 39 किलोमीटर दूर एक जगह पर मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लॉर्ड शिवा
और पार्वती के मतलब इसको देखते हुए मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर जेरी मेला बताया था ना, जेरी मेला असल में क्या है, असल में देखो जेरी मेला अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है, अक्टूबर टू नवंबर में मनाया जाता है। देखो इसमें क्या था, एक जीतू बाबा जेरी मेला था, मतलब एक फार्मर था जिसका नाम था जीतू बाबा जेरी मेला। तो वो एक ऑनेस्ट फार्मर थे, उसको अपना लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा तंग करता था, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करता था, इवन दो कि उसको मतलब कुछ नहीं देता था, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली मतलब उसके साथ बिहेव करता था, लेकिन ही वॉज फोर्स टू कमिट सुसाइड। ये जो मतलब ये था मतलब जेरी बाबा जीतू बाबा जेरी मेला जो था, ये बंदा इसको फोर्स किया गया सुसाइड करने के लिए। और उस मौके पे अगले साल से हर किसी मतलब जो फॉलोवर्स थे इसके जेरी बाबा के, वो हर साल उनके दिन को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एज अ वंडरफुल फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। तो उस तरीके से ये जेरी मेला अभी भी मतलब मनाया जाता है, ये जम्मू रीजन में मनाया जाता है। अब अगर यहाँ पर पहलगाम फेस्टिवल की बात करेंगे, ये भी एक टूरिस्ट रिलेटेड फेस्टिवल है, जेके टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ये पहलगाम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ इवेंट्स किए जाते हैं, जैसे आर्टिस्ट परफॉर्मेंस एंड वैरायटी ऑफ इवेंट्स, ट्रैकिंग वगैरह की जाती है। इसमें कुछ कल्चरल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये एक टूरिस्ट रिलेटेड फेस्टिवल होता है जिसमें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक्टिविटीज़ की जाती है। उसके बाद शिकारा फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, डल लेक में, जिसमें शिकारा बोट्स को सजाकर मतलब पूरी तरीके से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। अब उसके बाद जो आता है सैफ्रॉन फेस्टिवल, सैफ्रॉन फेस्टिवल जो सैफ्रॉन है ना, इसको रिसेंटली GI ग्लोबल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच कश्मीरी क्रॉप हैज़ गॉट द GI टैग रिसेंटली। तो आपका क्वेश्चन जवाब होना चाहिए GI टैग मीन्स ग्लोबल इंडिकेशन टैग किसको मिला था, सैफ्रॉन को मिला था। तो रिसेंटली ग्लोबल इंडिकेशन का टैग सैफ्रॉन को मिला था। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो सैफ्रॉन फेस्टिवल है ये वैसु पांपोर में मनाया जाता है। कहाँ पर, वैसु पांपोर में मनाया जाता है। तो इसमें सेलिब्रेट क्या किया जाता है, 3 दिन तक सेलिब्रेशन होती है। इसमें फार्मर्स को एक फिल्म शो दिखाया जाता है जिसमें फार्मर्स को दिखाया जाता है कि हार्वेस्टिंग प्रोसेस किस तरीके से की जाती है, या इसके प्लंकिंग प्रोसेस किस तरीके से की जाती है। इसके अलावा पूरी तरीके से इसमें दिखाया जाता है कि सैफ्रॉन के मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या है, इसका मतलब पूरी तरीके से सैफ्रॉन के रिलेटेड ही सारी चीज़ें होती है। अब अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें कल्चरल शो भी डिपिक्ट किया जाता है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करूंगा। विच सैक्रेड श्राइन ऑफ कश्मीरी पंडितस इज लोकेटेड ऑन हारी पर्वत। तो आप मुझे बताइए हारी पर्वत पे कौन सी कश्मीरी पंडितस की श्राइन है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका आंसर बता देना। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को लाइक और चैनल को ये वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।